पे स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल ऑफिशियल टीवी। टुडे वी आर गोना मेकिंग ऑरेंज केक विंटर स्पेशल। आजकल क्योंकि सर्दियां हैं, ऑरेंजेस तो सबके घर में होते हैं, तो क्यों ना विंटर स्पेशल ऑरेंज केक बनाया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ऑरेंज टी केक बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक बाउल में 1 कप + 1/2 कप यानी कि 1.5 कप मैदा यानी ऑल पर्पज फ्लोर लेना है और बेकिंग पाउडर उसमें फिर 1.5 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और सॉल्ट आपने उसमें 1/4 टीस्पून ऐड करना है और इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इनको एक साइड पर रख देना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो कि कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको बताऊंगी ये रेसिपी। टी केक बहुत ही मजेदार और नो फेल रेसिपी है। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप। इसमें हमने सबसे पहले ऑयल लेना है 1/2 कप। ऑयल में आपने पिसी हुई चीनी ऐड करनी है, आपने 1 कप ग्रैनुलेटेड शुगर लेनी है, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है और वो आपने ऐड कर देनी है। शुगर और ऑयल को आपने विस्कर की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। अब आप पिक्चर में देख रहे होंगे मैंने तो ग्रैनुलेटेड शुगर ऐड कर दिया, लेकिन मुझे आदत है बीटिंग की और विस्किंग की, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। बट जब बिगनर्स रेसिपी ट्राई कर रहते हैं तो उनको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है कि वो ग्रैनुलेटेड शुगर ऐड करें और फिर उसको अच्छी तरह से बीट करें जब तक जो शुगर मेल्ट नहीं हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने 1 कप शुगर लेनी है पहले मैया करके और फिर आपने उसको ग्राइंड कर लेना है। जब आपकी शुगर ग्राइंड हो जाएगी फिर आप ऐड करेंगे तो आपको बीट कम करना पड़ेगा और आपकी जो रेसिपी है वो फिर जल्दी रेडी हो जाएगी। तो ये स्टेप आपने माइंड में रखना है। मेरी इस रेसिपी को लेके आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपकी रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी अगर तो आप मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। आप ये ऑरेंज टी केक की रेसिपी ट्राई करें, यकीन करें आपके घर वालों को इतनी पसंद आएगी वो आपको बार बार कहेंगे हम ये बना के खिलाओ। नाउ द थर्ड स्टेप इज आपने बटर मिल्क लेना है 1/2 कप। अब जिसके पास बटर मिल्क नहीं है तो वो क्या करेगा, 1/2 कप उसने मिल्क लेना है और उसमें 1 टीस्पून आपने विनेगर ऐड करके रख देना है। ठीक है, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वो तब तक बटर मिल्क बन जाएगा। उसके बाद आपने इसमें जो है ना ऑरेंज जूस ऐड कर देना है 1/2 कप। अब इस मिक्सचर को आपने मिक्स करके साइड पर रख देना है और फिर से आ जाना अपने फर्स्ट स्टेप पे जो कि हमारा था बाउल। अब उसमें हमने अपना सेकंड एग ऐड कर देना है। एग ऐड करते हुए मेरे साथ हो गया था मोई मोई सीन, इट्स ओके, ऐसे सीन से होते रहते हैं। अब आपने कहना है एग को इतना बीट करना है कि एग फॉर्मी हो जाए, उसमें बबल बबल शो होने लग जाए, दैट्स इट। उसके बाद आपने बीटने करना है, फिर आपने इसमें ऑरेंज और मिल्क वाला मिक्सचर ऐड कर देना है और मिक्स कर देना है। अच्छा जी, इस रेसिपी की ना एक खास बात यह है कि इसको जो है ना बिगनर्स भी बना सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनने वाला है। ठीक है, और टी केक तो वैसे भी विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप चाय के साथ खाते हैं तो ऐसे जैसे आप हेवन में हो, मतलब इससे अच्छा डिलाइट तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई नो के वॉइस ओवर में अभी आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइसेस भी आ रही होंगी, बट यहाँ पे नॉइस इतना है कि नॉइसेस आती रहती हैं। खैर, मेरा ये वाला स्टेप हो चुका है कंप्लीट। मैंने अपना मिल्क और ऑरेंज वाला मिक्सचर ऐड कर दिया था। अब आइए इसमें मैदा मिक्सचर ऐड करने की। अब मैदे को अपने ना इसमें बैचेस में ऐड करना है, लाइक 3 to 4 बैचेस में। सारा मैदा आपने एक साथ नहीं ऐड करना है वरना वो क्लम्प अप हो जाएगा और आपसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब आपने वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है, जैसे देखिए मैंने रेसिपी में किया है। अब इसमें आप जो है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह मिक्स कर सकते हैं, इसलिए तो मैंने कहा है कि ये बिगनर फ्रेंडली है, मतलब ये रेसिपी आपकी फेल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप एक ही तरह से मतलब क्लॉकवाइज करें, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मैदे को मिक्स करें। उसके बाद आपने ऑरेंज जूस लेना और वो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना। जिन ऑरेंजेस का हमने ऑरेंज जूस बनाया था उन्हीं ऑरेंजेस का आपने कट कर लेना है बारीक बारीक स्लाइसेस में और आपने ये ऑरेंज जूस बना लेना है। बेसिकली ये ऑरेंज पील भी कह सकते हैं हम इसको, ये क्योंकि इसमें अरोमा और फ्लेवर लाता है ऑरेंज का, इसलिए ये बहुत ज्यादा इन्हांस कर देगा आपके टी केक को, इससे आपके टी केक में फ्लेवर आएगा। और हमने ऑरेंज जूस ऐड किया था उससे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें पिंच ऑफ येलो फूड कलर ऐड कर देना है, इससे बिल्कुल बेकरीज की तरह येलोश येलोश आपका टी केक बनेगा और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। येलोइश कलर आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, आपको अगर ज्यादा लग रहा है तो आप कम ऐड कर लें, कम लग रहा है तो आप और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं, जितना आप चाहते हैं कि आपको येलो पसंद है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा था तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया था और फिर मैंने पूरे मिक्सचर में मिक्स कर लिया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे था हमारा लास्ट स्टेप, हमारा बैटर हो चुका था रेडी। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपकी इसी तरह ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा ज्यादा पतला तो आप इसमें 1-2 चम्मच और मैदा ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको जो है ना मोल्ड में ऐड कर लेंगे। अब मेरे पास ये 9 इंच का मोल्ड है टी केक वाला,
क्योंकि हमारा बैटर ज्यादा था इसलिए मैंने इसमें जो है ना लाइक 70% एड जो है 30% मैंने सेव कर लिया था, क्योंकि इसमें राइस भी होना है तो ये काफी ज्यादा फिर बंद हो जाएगा। ठीक, बाकी का बैटर मैंने इस पैन में ऐड कर दिया था। ये 6 इंच का मेरे पास स्मॉल मोल्ड है। आपने पैन में बटर ऐड करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपने नीचे बटर पेपर लगाया हो। तो एक में तो मैंने बटर पेपर लगाया, दूसरे में मैंने पेपर लगा दिया था। अब ये पतीले मैंने रख के बेकी है, मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने नीचे रखा है स्टैंड और फिर उसके ऊपर मैंने रख दिया मोल्ड और फिर मीडियम हीट पे आपने जो है ना इसको बेक कर लेना है। उसके बाद ये हमारे है रिजल्ट। बेक टाइम यहाँ पे 30 to 35 मिनट 40 मिनट्स भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी हीट रखी है। आपने पतीला जो है ना मोटे पैंदे वाला लेना है, यानी कि आपका पतीला पतले पैंदे वाला। अगर आपने पतले पैंदे वाला लिया तो उसके नीचे फिर आपको नमक की लेयर बिछानी पड़ेगी। मैंने कोई नमक की लेयर नहीं बिछाई है, सिंपल पतीला रखा, ऊपर स्टैंड रखा और ऊपर पैन रख दिया और उसको मैंने लीड से क्लोज किया। और उसके ऊपर वेट रखना लाजमी है, अगर आप वेट नहीं रखेंगे तो फिर उसमें से जो स्टीम है वो निकलती रहेगी और फिर आपका केक सही से नहीं बनेगा। हीट के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं कि आपने नीचे से पतीले के इतनी हीट रखनी है कि होने स्लो चाहिए लेकिन इतनी होनी चाहिए कि जो हीट है ना वो पतीले को हल्की हल्की टच कर रही हो, क्योंकि आपने जब ऊपर स्टैंड रखा है तो इतनी हीट होनी ही चाहिए। माशाल्लाह से देखें आप कितना अच्छा ब्राउन और परफेक्ट कलर आया है, अंदर से इतना सॉफ्ट है। मैंने इसको कट करने की वीडियो बनाई थी बट वो मेरे फोन से डिलीट हो गया, वरना आपको दिखाती। एंड पे टी केक का फ्लेवर मजीद इन्हांस करने के लिए उसको कटिंग से पहले आप इस पर जैम लगा सकते हैं। आपने यूँ करने क्योंकि जैम जो है जो मार्केट से मिलता है वो थिक होता है, तो आपने उस जैम में थोड़ा सा ऑरेंज जूस मिक्स करके आपने उसको थोड़ा सा हीट करना है तो वो जो है ना थिन हो जाएगा और फिर आपने उस पर अप्लाई कर देना। सेकेंड, आप इस पर पाउडर शुगर भी डस्ट कर सकते हैं, आई थिंक शुगर। और अपना ख्याल रखें, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।